मकर संक्रांति पर्व पर खिचड़ी दान करने की परंपरा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर्व पर कुछ अलग दान करने की परंपरा चला रहे हैं। दरअसल उनका यह दान मानव जीवन के कल्याण के लिए चलाया जा रहा है। बता दें कि कानपुर में युगदधीच देहदान संस्था के संस्थापक मनोज सेंगर कई वर्षों से मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को देहदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। मनोज सेंगर ने बताया कि मकर संक्रांति पर दान देने की परंपरा रही है, इसीलिए कानपुर के लोगों ने अनूठा दान देने का निर्णय लिया है। मकर संक्रांति पर 25 से अधिक लोगों ने देहदान करने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि इससे समाज को सकारात्मक संदेश जाएगा। आज युग दधीचि देहदान संस्थान के द्वारा मकर संक्रांति के महापर्व पर महादान की महाशपथ का आयोजन मोती झील प्रांगण में किया गया है। क्योंकि मकर संक्रांति पर दान देने की परंपरा रही है, इसलिए हम सब ने, कानपुर वासियों ने, एक अनूठा दान देने का निर्णय लिया है और आज यहाँ 25 से अधिक व्यक्ति अपनी देह का दान राष्ट्र के नाम करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। समाज को इससे एक संदेश जाता है कि दान केवल तिल का, लड्डू का या किसी अन्य सामान्य चीज़ का न करके अगर हम अपनी पूरी देह का दान कर देते हैं तो ये राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और मानवता के लिए और चिकित्सा के अध्ययन के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। इसी बात को सामने रखते हुए युग दधीचि अभियान ने आज यहाँ महादान के महापर्व पर देहदान की महाशपथ कार्यक्रम का आयोजन किया है। आयोजन की विशेषता यह है कि इसमें 50% से अधिक महिलाएँ भी भाग ले रही हैं, जो देश की आधी आबादी हैं और जिसके ऊपर देश का दायित्व तो है। युग दधीच अभियान के माध्यम से अब तक पूरे प्रदेश में 3,000 से अधिक लोगों को संकल्पित किया जा चुका है और 233 मृत शरीर प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों को दान कराए गए हैं। कोविड की महामारी के चलते कोविड प्रोटोकॉल के कारण हम 58 शरीर नहीं ले पाए हैं, जिसका कि हमें आजीवन खेद रहेगा। समाज को इस अभियान और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, बहुत दिनों जिए मरे हैं तख्त ताज के लिए और देश के लिए हम लोग कुछ कर सकें, यह भाव हमारे मन में जरूर आना चाहिए। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ, यही भाव हम सबके मन में हो तो महादान का ये महापर्व सार्थक हो सकता है।